हाय गाइस, मेरा नाम है दिवेश यारवाल। आप देख रहे हैं टेक्नो रेड का एक और नया एपिसोड। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे हॉनर एंड लाइट वर्सेस रेडमी नोट 5 प्रो। रेडमी नोट 5 प्रो 14 फरवरी को फ्लिपकार्ट पर लॉन्च हुआ है और हॉनर एंड लाइट जनवरी के लास्ट वीक में लॉन्च हुआ है। प्लीज मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें और आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम Redmi Note 5 Pro की बात करने वाले हैं और उसका कंपैरिजन करेंगे Honor 9 Lite से। चलिए शुरू करते हैं। हम इन दोनों के मॉडल्स की प्राइस और अवेलेबिलिटी के साथ बात करते हैं। Redmi Note 5 Pro 14,000 रुपीज का है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी, गोल्ड और डार्क ग्रे कलर में आता है। Honor 9 Lite 15,000 रुपीज का है, 4GB रैम, 64GB इंटरनल मेमोरी, इसमें तीन कलर आते हैं, सफायर ब्लू, मिडनाइट ब्लैक और ग्लेशियर ग्रे। अब हम इसकी स्क्रीन साइज और रेजोल्यूशन में बात करते हैं। Redmi Note 5 Pro 5.99 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले और Honor 9 Lite में 5.65 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले। अब कैमरास की बात करते हैं। Redmi Note 5 Pro में रियर में 12+5 मेगा पिक्सल कैमरा है विथ फ्लैश और फ्रंट में 20 मेगा पिक्सल कैमरा है विथ फ्लैश। Honor 9 Lite में 13+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है विथ फ्लैश और 32+2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा विदाउट फ्लैश, यानी कि उसमें फ्लैश नहीं है फ्रंट में। अब हम इसकी बैटरी पर बात करते हैं। Redmi Note 5 Pro में 4000mAh की बैटरी है और Honor 9 Lite में 3000mAh की बैटरी है। प्रोसेसर्स पर बात करते हैं। Redmi Note 5 Pro में आपको Qualcomm Snapdragon 636 मिलता है और Honor 9 Lite में हाई किरिंग सिलिकन 659 प्रोसेसर मिलता है। ओके, अब ये तो ये सारी प्रोसेसर्स की बात, इसके स्क्रीन रेजोल्यूशन, डिज़ाइन और इसका इंटरनल मेमोरी और इसके अवेलेबिलिटी और उसके कलर्स और इसकी प्राइस के बारे में। अब हम थोड़ी सी नॉर्मल बातें कर लेते हैं। जैसे कि सेंसर्स की आप बात करते हैं, सेंसर्स के मामले में दोनों ही फ़ोन में सारे सेंसर मिल जाएंगे आपको। फिंगरप्रिंट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर सेंसर, बैरोमीटर, जायरोस्कोप, एम्बिएंट लाइट सेंसर और आपको हॉल सेंसर मिल जाएगा, फोन लाइट स्टेटस इंडिकेटर मिल जाता है आपको। यही सारे सेंसर Honor 9 Lite में मिल जाते हैं आपको। दोनों ही फ़ोन में ड्यूल माइक्रोफोन दिए हैं नॉइस कैंसिलेशन के लिए और 5V 2A पे दोनों ही फ़ोन चार्ज करते हैं। इसी के साथ आपको दोनों ही फ़ोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट है, दो सिम एट अ टाइम या फिर वन सिम और वन मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं आप। दोनों में एक्सपेंडेबल स्टोरेज है आपको 128GB। दोनों में एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन एंड्रॉयड 8.0 यानी कि ओरियो मिलता है। Redmi Note 5 Pro में उनका खुद का डेवलप किया हुआ है MIUI 9.0 और Honor 9 Lite का खुद का डेवलप किया हुआ उनका हैंडपिक्ड UI EMUI 8.0। दोनों में सब कुछ लेटेस्ट है। अब इसका जो मेन डिसएडवांटेज है Redmi Note 5 Pro का और जो Honor 9 Lite का वो एडवांटेज है वो ये है, इन दोनों का वेट। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों का वेट इसका डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है और इसका एडवांटेज कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। Redmi Note 5 Pro का वेट है 181 ग्राम और Honor 9 Lite का वेट है 149 ग्राम। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि 149 ग्राम इज बेस्ट या फिर 181 ग्राम। यहाँ तक कि इस चीज़ को अभी तक Redmi Note 5 Pro की फ्रॉम फ्लिपकार्ट पर लॉन्च हुआ है, फ्लिपकार्ट वालों ने इसको बिल्कुल हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि ये हाईलाइट करने के लिए है नहीं। आप समझ रहे कि Redmi Note 4 का 165 ग्राम वजन था, अब इसका 181। यहाँ तक कि सैमसंग का गैलेक्सी और नेक्स्ट उसका वेट है 178 ग्राम। तो आप कंपेयर कर लीजिए, अभी भी मोर इस ये हैवियर है 4 ग्राम से। अब ये इसका डिसएडवांटेज है। बाकी अगर आप देखते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन कंसीडर करना चाहिए तो प्रोसेसर और डिज़ाइन नया प्रोसेसर और पावरफुल प्रोसेसर के बारे के साथ जाना चाहते हैं तो आप Redmi Note 5 Pro बाय कीजिए। और आप डिज़ाइन, लुक्स, हैंड फील इसके तरफ जाना चाहते हैं और कैमरे की तरफ जाना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं Honor 9 Lite का जो फ्रंट कैमरा है उसकी सेल्फीज बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छा कैमरा, सैम्पल रिव्यू है उनका फ्रंट कैमरा का, तो आप Honor 9 Lite की तरफ जाइए। आज आप अच्छी तरह डिसाइड कर लें कि आपको कौन सा फ़ोन बेटर लगता है
Honor and Lite V phone is better, but in overall performance Redmi Note 5 Pro is much better. बस एक वेट का डिसएडवांटेज है Redmi Note 5 Pro में, उसके अलावा उसमें सारी चीजें हैं। और आपको आगे की तरफ से 2.5D कर्व ग्लास मिलता है, बैक से आपको मल्टी मिलता है, ऑनर 9 Lite में 2.5D कर्व ग्लास मिलता है, बैक से भी 2.5D कर्व ग्लास मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसमें दोनों में आगे से और पीछे से 2.5D कर्व ग्लास है तो इसके टूटने का चांस ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं, कंपनी की तरफ से एल्यूमिनियम सिलिकेट ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है, जिससे अगर आप एक मिनिमम हीट से फोन को ड्रॉप आउट भी करते हैं तो वो फोन इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। पर ग्लास है तो टूटने की कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, पर टूट भी सकता है, वो आपके डिपेंड करता है आपके यूजेस पे। Redmi Note 5 Pro में 2.5D कर्व ग्लास है फ्रंट में और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है, जबकि Honor 9 Lite में ऐसा कुछ नहीं है। Honor 9 Lite में ऐसा कंपनी की तरफ से कोई डिटेल्स भी नहीं है कि उसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है, उसमें सिर्फ इतना बताया गया 2.5D कर्व ग्लास है। Honor स्पेशली बहुत सालों से कैमरा और उसकी डिस्प्ले के मामले में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। अब मैं आपको एक और चीज़ बड़ी बता दूँ कि यहाँ पे Honor में 427 PPI पिक्सल्स पर इंच स्क्रीन रेजोल्यूशन पर शो करता है, जबकि Redmi Note 5 Pro 403 PPI शो करेगा पिक्सल्स पर इंच। यहाँ पे आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में जो कलर्स दिखेंगे वो Honor 9 Lite में बंची दिखेंगे, Redmi Note 5 Pro में इतने अच्छे कलर्स नहीं आएंगे, जबकि दोनों का डिस्प्ले का रिजोल्यूशन और डिस्प्ले का साइज में दोनों का डिफरेंस है, पर रिजोल्यूशन दोनों का बराबर है। इस बेसिस पे आपको Honor का PPI ज़्यादा है और Redmi Note 5 Pro का PPI कम। मैंने आपको सारी स्पेसिफिकेशंस बता दी है, आपको कौन सा खरीदना चाहिए ये भी आपको मैंने बता दिया है। अब आप जाके आराम से डिसाइड कर सकते हैं। Redmi Note 5 Pro की नेक्स्ट फर्स्ट सेल है 22 February को, और इसमें एक 6GB रैम 128GB का इंटरनल मेमोरी वाला वर्जन भी आ चुका है। अभी वो फर्स्ट सेल में अवेलेबल नहीं होगा, तो शायद सेकेंड या थर्ड सेल में अवेलेबल होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और आपको आप इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, मेरे वीडियो को शेयर कर लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और मुझे आप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप मेरी पुरानी वीडियोस वॉच करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के एंड में 4 कार्ड्स दिख जाएंगे, जिससे आप एक कार्ड से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी वीडियोस आप मेरे कार्ड्स में 3 कार्ड्स में और वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं जाके। मैंने इसके अलावा भी बहुत टॉपिक्स पर वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ होंगी उसके बारे में रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। सो थैंक यू।